नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो? आपके लिए मैं 9, 10 एवं वर्ग 3 के लिए आपके समक्ष मैं लकार काल परिचय लेकर आया हूँ। इसके पहले वीडियो में अपने पढ़ा था लकार के विषय में। पहला लकार पढ़ा था लट लकार। आज मैं आपके सामने लंग लकार लेकर आया हूँ। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल इसमें था, थी। थे का मतलब जैसे अगर बॉयस है, बालक है तो था, और बालिका है तो थी, और बहुत से बहुवचन में है तो थे का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम एक धातु के विषय पढ़ेंगे। धातु अपन ने ली पट। पट मतलब पढ़ना। अगर आपको पट धातु अगर समझ में आती है तो आप इसके अलावा बहुत सारे धातु के विषय में आप अपने आप पूरा होमवर्क कर सकते हो आप। अब इसके बाद देखिए, आपके सामने मैं पुरुष परिचय बता रहा हूँ। पुरुष कितने होते हैं? 3। प्रथम, प्रथम को अन्य पुरुष भी कहा जाता है, और दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है उत्तम पुरुष। आप एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में आपको भूतकाल में किस तरह धातु के साथ क्या जोड़ा जाता है और धातु प्रत्यय के साथ कौन से अक्षर का उपयोग किया जाता है, वो आप आगे सुनिए। सबसे पहले एक वचन प्रथम पुरुष में आएगा। इसके साथ में सह, तो, ते का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रथम पुरुष जिसके विषय में चर्चा की जाती है। एक वचन में सह, दूसरे द्विवचन में तौ, और बहुवचन में ते का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले प्रथम पुरुष में एक वचन में आएगा धातु अपठत। क्या जोड़ा है बच्चों? इसमें धातु के पहले अ और धातु के बाद प्रत्यय कौन सा जोड़ा है? त और हल लगा है, तो आपको कैसे याद करना है? अपठत। उसके बाद द्विवचन में आएगा अपठताम। क्या लिखा है? अपठताम, तो इसमें धातु के साथ ताम जोड़ा गया है। उसके बाद बहुवचन में ते अपठन, ते अपठन, इसमें धातु के साथ में न में हल जोड़ा गया है। आप इनका हिंदी अनुवाद देखिए। प्रथम पुरुष में सह मतलब वह, अपठत का मतलब पढ़ता था, क्योंकि ये भूतकाल है इसलिए एक वचन में वह पढ़ता था, और द्विवचन में तो मतलब वे दोनों पढ़ते थे। ते अपठन, ते का मतलब वे सब, अपठन मतलब पढ़ते थे। ये किस में आया? बहुवचन में। अब उसके बाद आते आगे मध्यम पुरुष। मध्यम मतलब जो सुनने का काम करता है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। सबसे पहले अब धातु है अपनी पट। पट के साथ क्या लगा है? अ, और यहाँ विसर्ग लगा दे। क्या बना ये? अपठ। और साथ में क्या जोड़ेंगे एक वचन में? तुम अपठ। अपठ का मतलब होता है तुम पढ़ते थे। कितने पढ़ते थे यहाँ पर? एक, इसलिए क्या हुआ? तुम पढ़ते थे। उसके बाद द्विवचन में आता है युवाम अपठतम। बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ अपठताम आया और यहाँ अपठतम। यहाँ पर अंतर आपको कुछ नहीं याद करना है। ये आ की मात्रा यहाँ से हटा दी गई है और जैसा का वैसे ही आपको यहाँ लिखा गया है, इसलिए आपको युवाम अपठतम याद करना है। और इसका दोनों का अर्थ होता है तुम दोनों पढ़ते थे। उसके बाद बहुवचन में देखिए, बहुवचन का शब्द आता है यूयम अपठत। बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है? धातु के साथ मात्र त का उपयोग किया है। पहला शब्द अपठत आया, यहाँ हल लगा था, इसमें हल हटा दिया गया, इसलिए क्या बचा? अपठत। इसका मतलब है तुम सब पढ़ते थे। उसके बाद उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो स्वयं के बारे में कहा जाता है, कहते हैं उसे उत्तम पुरुष। सबसे पहले अहम, अहम का मतलब होता है मैं कौन सा पुरुष हूँ,
उत्तम पुरुष, मैं जो बोल रहा हूँ उसे उत्तम पुरुष। अहम अपठम धातु के साथ क्या जोड़ा है, म में हल लगा है और धातु के पहले अ, उसके इसके साथ ही अपठम, अहम अपठम इसका मतलब हुआ मैं पढ़ता था। मैं पढ़ता था क्यों लिखा, क्योंकि एक वचन है। उसके बाद द्विवचन देखिए, द्विवचन में आवाम अपठावः, आवाम मतलब ये आवाम क्या है बच्चों, ये सर्वनाम शब्द है, इसमें संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, इसलिए आवाम अपठावः। इसका मतलब आवाम का मतलब होता है हम दोनों, और अपठाव का मतलब पढ़ते थे, मतलब हम दोनों पढ़ते थे। उसके बाद बहुवचन में वयम अपठाव महा, धातु में क्या जोड़ा है इसमें आ महा, इसीलिए वयम मतलब हम सब, अपठाम मतलब पढ़ते थे, सब मिला के वयम अपठाम, इसका मतलब हुआ हम सब पढ़ते थे। अब आज के लिए बच्चों लंग लकार आपके सामने, इसमें अगर कुछ आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नमस्कार बच्चों, मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ लकार। इसके पहले अपन ने दो वीडियो पढ़ा है, अभी तीसरा लकार है लुट लकार। लुट लकार का मतलब होता है भविष्यकाल, भविष्यकाल जिसमें गा गी गे का प्रयोग, जो भविष्य में होने वाला होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। अब अपने को याद रखना है धातु एक लेना है पट, पट मतलब पढ़ना। उसी तरह जिस तरह आगे के दो लकार पढ़े उसी तरह इसी पुरुष याद रखना है। अब एक वचन से लेकर द्विवचन और बहुवचन में धातु के साथ आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या जोड़ा गया है, धातु के साथ कौन सा प्रत्यय लगाया गया है। सबसे पहले प्रथम पुरुष जिसको अन्य पुरुष कहा जाता है, एक वचन में सह मतलब वह, एक वचन सह पटी सेयति, क्या लिखा है धातु के साथ में ईष्यति, क्या जोड़ा है ईष्यति, आपको याद रखना है ईष्यति, वह पढ़ेगा। उसके बाद द्विवचन में स के बाद तव, तव मतलब वे दोनों। अब आपको याद रखना है कि धातु पट है, इसमें क्या जोड़ा गया ई स्यतः, छोटी की मात्रा लगाई गई आधा स य और त में और विसर्ग, क्या बना पटी स्यतः, वे दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद बहुवचन में ते मतलब वे सब। अब आपको यहाँ ध्यान देना है धातु पट है, पटी सयंती मतलब धातु के साथ ईष्यंती जोड़ा गया, तो क्या हो जाएगा ये बहुवचन का शब्द होगा पढ़ेंगे। उसके बाद आइए मध्यम पुरुष में जाते हैं, एक वचन में त्वम मतलब तुम, एक वचन पटी शैसी, जिस तरह लट लकार में सी का प्रयोग किया गया उसी तरह इसमें भी किया है, लेकिन आपको धातु के साथ ई शैसी जोड़ा गया, आधा सा यह जोड़ा गया है और इसका मतलब तुम पटी शैसी मतलब तुम पढ़ोगे, एक वचन। उसके बाद युवा मतलब तुम दोनों, यहाँ तुम दोनों क्यों आया, क्योंकि द्विवचन है इसलिए युवा पटी स्यतः, पटी स्यतः इसमें क्या जोड़ा गया ईष्यतः, तुम दोनों पढ़ोगे। उसके बाद बहुवचन यूयम पटिष्यत, पटिष्यत धातु के साथ ईष्यत, इसलिए तुम सब पढ़ोगे। उत्तम पुरुष में आएगा अहम मतलब मैं, इसमें धातु के साथ ईष्यामि जोड़ा गया है, तो क्या होगा पटिष्यामि मैं पढ़ूंगा। उसके बाद आवाम द्विवचन में आवाम मतलब हम दोनों, उत्तम पुरुष आवाम हम दोनों पटिष्यावः, पट धातु में ईष्यावः जोड़ा गया है इसलिए हम दोनों पढ़ेंगे। वयम मतलब बहुवचन में आ गए, वयम मतलब हम सब, हम सब
पटिशा महा धातु में क्या जोड़ा गया, पट धातु है, ईशा महा, इसीलिए क्या होगा, वयम पटिश्यामः, हम सब पढ़ेंगे। अब बच्चों आपको याद रखना है जो भी धातु के अंत, ये धातु प्रत्यय कहा जाता है, इसे अंत में जो मात्रा जो जोड़ा गया उसे आपको याद करना है। इसके साथ ही आपको अगर इस वीडियो में आपको कुछ डाउट लग रहा हो तो नीचे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर अगला वीडियो लेकर हम हाजिर होंगे आपके सामने।